आपको डॉक्टर एकांत का नमस्कार, योगांचल से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कब्ज में और गैस में और एसिडिटी में अपने घर की चीजों से, खाने पीने से हम कैसे अपना इलाज कर सकते हैं। कुछ काव्य रचना की थी कुछ समय पहले, वो काव्य रचना के साथ मैं आपसे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। चोकर युक्त आटे की रोटी, चोकर होता है आटे का छान, चोकर युक्त आटे की रोटी, छिलके वाली दालें, दाल छिलके वाली हो, सब्जी सलाद फल अंकुरित खाने की आदत डाल लें, तो ये सब चीजें ध्यान रखेंगे कब्ज के लिए, पेट के लिए, क्योंकि ये फाइबर्स, इसमें नेचुरल फाइबर्स है, चोकर में भी नेचुरल फाइबर्स है। और जो आटा जो होता है वो बैग वाला, वो तो ठीक नहीं होता, खुद पिसवाए गेहूं को लेकर तो अच्छा रहता है। सब्जी सलाद फल है अंकुरित, ये सब चीजें प्रयोग करें। दही, दूसरा है दही सब्जी फल पपीता पानी व रोटी के संग, चोकर की बात है कि चोकर कैसे खाएंगे, दही सब्जी फल पपीता पानी व रोटी के संग, चोकर है ताकत आटे की, कब्ज करे जड़ से भंग, आटे का छान जो दूर है चोकर है। वैसे चोकर का अल्टरनेट आपको बताऊं कि चोकर के स्थान पे आप अलसी भी ले सकते हैं, अलसी को लेके पीस के, चोकर यदि नहीं उपलब्ध होता है तो चोकर को आप कंसीडर करें जैसे अलसी है, अलसी का प्रयोग आप कर सकते हैं पीस के। कटी स्नान नित रोज करें, तब बात होता है हिप बात, आप यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं हिप बात क्या है योगांचल से। कटी स्नान नित रोज करें, पेट रोग मिट जाए, पेट के रोग खत्म हो जाते हैं टब में बैठने से। कब्ज जिगर मुंह छाले ओरल अल्सर गैस रोगों का ये उपाय, ये इन सब चीज का उपाय है। एनिमा मिट्टी पट्टी ले, एनिमा होता है मट पैक होता है, उसके बाद एनिमा लेते हैं, एनिमा मिट्टी पट्टी ले जो तीव्र रोग हो जाए, एक्यूट डिजीज जो भी हो जाए। उपवास और रसाहार से रोग तीव्र मिट जाए, जो उपवास करते हैं रसाहार लेते हैं उससे रोग मिट जाते हैं। आंवला पानी प्रात लो सुबह, खाली पेट आंवला बहुत अच्छा रहता है, आंवला पानी प्रात लो करे पेट को साफ, आंतों को धो ढालिए पानी से एक गिलास। अंजीर मुनक्का रात भिगोए, रात को भिगो के अंजीर मुनक्का प्रातः काल चबाए, अम्ल गैस कब्ज घटे ताकत भी बढ़ जाए, दोनों काम करते हैं, ताकत भी मिलती है पेट भी साफ करते हैं, आंतों की गर्मी शांत होती है अंजीर और मुनक्का से। अंकुरित अन्न जिसको बोलते हैं स्प्राउट्स, फल कच्ची सब्जी, फलाहार अपक्व आहार, कच्चे जो आहार रहते हैं रॉ फूड जिसको बोलते हैं, सलाद और अंकुरित जिसके अंदर आते हैं और फल आते हैं, तो अंकुरित अन्न फल कच्ची सब्जी फलाहार अपक्व आहार तीव्र जीवन दाता रोग मिटाते, प्रकृति के ये अनुपम आहार क्या बढ़िया काम है। आगे आता है चीनी मैदा और नमक, तीन चीजें सफेद जहर है, चीनी मैदा और नमक सफेद जहर है तीन, अम्ल शुगर कब्ज गैस बढ़े हाड थोते कर दीन, कैल्शियम की जो कमी आजकल हो रही है ये उसमें चीनी मैदा और नमक का बहुत बड़ा रोल है, तो ये कब्ज का पेट का एसिडिटी का गैस का तो इलाज है ही है। साथ में मित्रों जो कब्ज जनित जो रोग होते हैं, जो कब्ज के कारण बहुत सारे रोग होते हैं उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है, तो इन चीजों को आप अपनाएं, ये नेचुरल चीज है और अपनाएं और जीवन को स्वस्थ सुखी और आनंदित बनाएं, यही जीवन को स्वस्थ सुखी और आनंदित रखने का एक प्राकृतिक हमारे पास फार्मूला है,